ड्रामे शुरू हो गए, ऊपर रोती ऊपर से है। आज 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 उठो, ये क्या कर रहे हो, सही डालो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। एक नई वीडियो में खुश आमदीद, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है, हम रात को पहुंच चुके थे यहाँ पे, इन लोगों के मारे बिलाल जो है ना, इनके लोगों के घर, इनके लिए घर नहीं, हमारा भी घर है, मतलब अद्दा इनका था उनका। लेकिन यहाँ आके ना जो सीन लग रहा है ना, वो भाई सब बड़ा ही अजीब व गरीब, बिल्कुल ही अजीब व गरीब। दूसरी हालत ये है कि दो तीन दिनों से ना कोई शेव, ना नहाना, ना धोना, बड़ी खराबी हुई पड़ी है। और यहाँ आके हमने कहा हम नहाएं धोएंगे साटोंगे, तो पानी भी कोई नहीं, यहाँ और भी सीन है, बड़े बड़े अजीब अजीब सीन है यहाँ पे ना भाई, सब कुछ भी नहीं। यहाँ ये है कि अपना पानी खुद भरो और खुद नहाओ और खुद खाओ, खुद खाओ तो नहीं, खुद मुंह हाथ धो, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। तो यहाँ भी फंसे पड़े हैं, पैसे भी देती बैठे हैं, सारा काम की बैठे हैं। सुबह हो चुकी है, सुबह उठे थे हम, यहाँ पे मैं सोया था, कम्बल हमने अपना लेके आए थे, ये यहाँ पे सोए थे, और दोनों, और ये वाले जितने भी हैं ना, ये हम ऐसे छोड़ते हैं, ये ना बिल्कुल नीचे था, तो ये साथ आपके नाश्ता लग गया। वैसे आवाज़ आ गई नाश्ते की, तो नाश्ता कर लेते फिर से आप लोगों सारी बातें शादी करते हैं। अब हम कुछ और सोच रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम भी वो सोच रहे हैं ना, अगर आप भी वही सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। चलते पहले नाश्ता करते हैं। सुरेश, हाँ, आज आंटी ने नाश्ता बनाया, वो फिर बेचारी ने इतनी देर से, चलो चलो। वालेकुम अस्सलाम, बस हम नाश्ता करते हैं। ये मैं आपको टूर भी करवाएंगे घर का, किस तरह का घर है, हाँ अपने घर का, और फिर अगला प्रोसेस क्या होता है वो भी आप लोग साथ शेयर करते हैं। पहले करते हैं नाश्ता। कुछ ये बंदी भी सच्ची है, कुछ हम भी सच्चे हैं। ये बंदी तो बड़ी परेशान है, यकीन करें। और क्या, वो भी मुसाफिर बने हुए हैं, वो भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर हैं, और हम भी मजबूर हैं अपनी जगह पे, हाँ, और ये भी मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। गरम नाश्ता है, और उस बंदी की वैसे हिम्मत है थोड़ी सी, तो उसकी तारीफ बनती है। तीन बच्चे हैं छोटे छोटे, एक वो बता रही है, दो बच्चे हैं, तीन है, तीन बच्चे हैं, ये बड़ी सियानी है, हाँ। तीसरा कौन, तीसरे को क्यों नहीं गिन रही, वो भी छोटा है ना, और चाय गिरा रहे हो यार। तो नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते में क्या है, पैसे बंडी, पराठे, ये पराठे, ये कीमा, ये सब, और गिलास है, अचार, चाय, जिंदाबाद। इधर भी कोई चीज है वैसा, इधर ही अंडे पैन, बल्ले बल्ले, चूहर चंगी है, नहीं बस थोड़े ही हो गए, बस बहुत हैं। हाँ जी, अब क्या हो रहा है, बर्तन वॉश हो रहे हैं, पानी बंद हो गया, वो जरूरत सही करने गया है। मैंने कहा अपने वाले जो हमने बर्तन खराब किए हैं वो तो धो के रख लो, यहाँ बड़ा मुश्किल है धोना। हाँ जी, मुश्किल नहीं, इंतहाई मुश्किल, वही मेरी तो बस है, है? मेरे से तो नहीं होता, बस हालत है, मैं यूं करके धोती हूँ, यूं करके। ये इस पाइप में पानी आ रहा है, ये और पानी मुसलसल आता रहता है, और पानी है भी बड़ा गंदा, बहुत गंदा है, तो सीधे सीधे बीमार होना है, ये तो इनकी हिम्मत है भाई, शिकायतें नहीं ऐसे करेंगे, पर वो हालात इस तरह के, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। लकड़ी तो बहुत आम है, बिजली बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नाम की नहीं है, कभी आ जाए 24 घंटे में मैक्सिमम 1 से 2 घंटे, इतनी ही आती है। ये चौकाठे बनी पड़ी है, वैसे चीर बिहार की, ये ऐसी जो है जैसे, ये घर की फ्रंट लोकेशन लोकेशन ठीक है, लेकिन अंदर का सीन बड़ा ख़राब है। तो लकड़ी बड़ी है यार, हर चीज़ ना लकड़ी की बनाई होती है यहाँ पे ना, ये मकई शकई लगा ली इन्होंने, यहाँ पे बिल्ली के बच्चे, यहाँ पे बिल्ली के बच्चे फिरते हैं छोटे छोटे, पता नहीं वो किधर चले गए। ये लकड़ी इनके पास काफ़ी सारी पड़ी भी है। चलो जी, खैर जी, ये सियान है सारा, घास फूस ये वो, और ये फ्रंट से ऐसे घर है, मतलब अभी ये बन छन रहा है, कच्चा पक्का ऐसा है। और भाई सब ना वाशरूम की सहूलत, ना पानी की सहूलत, ना नहाने की सहूलत, ना धोने की सहूलत, कुछ भी नहीं है, बड़ा गंदगी, गंदा 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 काम है।
बड़ा गंदा गंदा काम है। बाकी तो यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो है ना, ये इस घर में ना वो नहीं लगा हुआ। हाँ, सेवरेज सिस्टम कोई नहीं, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। सारा बारो बार ही काम प्रोग्राम है। हाँ, खुला प्रोग्राम जी। भाई जान, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं भी घर पहुँचो यहाँ पे अपने कमरे में। ये कमरा हमारा है, वो कमरा उनका है। तो सीन ये था कि वैसे मैंने नीचे गया हुआ था शेव करवाने, बिलाल भाई ने जाके वीडियो लगानी थी, तो मैंने शेव, मैंने कहा मैं शेव करवाता हूँ। वो बस मुझे छोड़ कर ना पता नहीं फिर कहीं चला गया। मैंने कहा मैं भाई सब चल 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 के पैदल आया हूँ, तबाही हो गई मेरी। आते ही भाई सब बेगम को कहा कि भाई जी कोई चाय शाह बना के दे। इधर चाय बना रहे हैं और मारिया उसकी निगरानी कर रही है। यार इतना बेतबारी हम पे। बिल्कुल भी मैं निगरानी नहीं कर रही, मैं आप ही के पास कर रही हूँ। मैं को किसी चीज की जरूरत होगी ना, उनको मिल नहीं रही जो, तो मैं उनको बता दूंगी कि भैया वो पहले आटे को चीनी समझ। अच्छा, आटा डाल मिली और बचाई यार आपको आटे वाली चाय मिली, आटे वाली। तो अच्छा जी, ये तो ना बेशुगला मुगला चलता रहेगा। यहाँ पे चाय बन रही है। यहाँ पे ये देखें जी, कारपेटेड हमारा किचन है। कोई ऐवे गल कोई नहीं। खैर, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। थक गए, काफ़ी सारा सफ़र किया। तकरीबन ना 3-4 किलोमीटर था और सारी चढ़ाई थी। मैं भी आया चलना चलता 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 नहीं यहाँ तक पहुँच गया। खैर, फिर थोड़ा सा टूर भी करवाते हैं घर का ना, कि घर कैसा लिया। फिर उसके बाद आप लोगों की राय भी लेते हैं, फिर कहीं मूव भी करते हैं। यहाँ पे ना बिल्ली है, उसके 3 बच्चे हैं। वो सारा दिन इन्हीं के साथ खेलती रहती है। ये देखें, नहीं नहीं ये तीनों है, माँ बच्चे। हाँ माँ है, 3 बच्चे हैं और 1 माँ है। मोमना कितने बच्चे हैं? 3। आप लोग कितने बच्चे हो? 3। 3 बच्चे आप लोग हो, 3 बच्चे वो हैं। वो बैठे हैं, ये यहीं पे रहते हैं। वो बिल्ली के बच्चे हैं। हाँ, ये बिलाल के बच्चे हैं, बादा नाम है। हाँ, वो ना खेलते बड़े एक दूसरे के साथ। अभी इसको देख के ना छुप जाएंगे। ये जा रही है ना, जाओ इनके पास पकड़ लो। ये मुझे काटेगा। काटेगा? आज मैं सुबह कह रही थी अब आप लोग चले भी जाओ। अच्छा? हाँ, मैंने कहा क्यों, कहती मैं थक गई हूँ। ये कह रही थी माँ छुपा रही है बेटी की बात। बेटी ने सच सच बोला है तो माँ अब छुपाने में लगी हुई है, पर्दा डाल रही है। हाँ, बड़ी खुश थी। थोड़ा सा हम आपको सीन दिखा दें घर का ना। जरी बात है 50-50 है, तो इसका ना हम पूछ लेते हैं कि भाई हमारा ऐसा कौन सा है, कंफर्म बता दें ये वाला या वो वाला। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि किचन एक ही है। हाँ जी, तो हमने इन पे बोझ तो नहीं बने रहना ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इनसे पूछ लेते हैं, बिलाल भाई से पूछ लेते हैं। बिलाल भाई, क्या कर रहे हो? भाई सब सीधी बात है, देखो ना, अब हमने कुछ अर्सा रहना, रेसिपीज वगैरह बनानी, आपको पता है। तो हमारा हिस्सा कंफर्म बता दो कि हमने हमारा हिस्सा वाला कौन सा है, फिर हम अपनी सफाई सुथराई उस हिसाब से करें ना। आपका कमरा? हमारा कमरा मुश्तरका किचन। अच्छा, किचन यानी कि मुश्तरक है। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। वैसे तो जहाँ मर्जी आप आ जाए, कोई उसमें वो नहीं है, मिल बांट के बना लोगे। फिर भी हम ये कहते हैं, बोला है कि भाई यहाँ पे जो बनेगा वो सबके लिए बनेगा। हाँ, हम लोग वैसे भी बनाते हैं, आप लोग भी खा ले, आप लोग बनाएंगे हम भी खा लेंगे। नहीं नहीं, आज तो आप कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहे हम आपके ऊपर बोझ बने रहेंगे, आप हम पर बोझ बने रहेंगे। घर से दूर हैं तो हम अपना अपना कर लें, सबसे बेस्ट है। जब हम तो रेसिपी बनाएंगे वो हम आपको मिलके खिलाएंगे, कोई मसला नहीं। आराम से रहें, ठीक है, अपना घर है, इधर आओ उधर जाओ, ऐसे कोई मतलब वो सीन नहीं है कि वो तो आधा नहीं है, वो तो आधा नहीं, जिस तरह मर्जी हो उसको। बहरहाल चलो, हम ना आपका इससे कटवार नहीं करवाते, हम अपने से कटवार करवा देते हैं। यही तो न करवा दीजिए भाई साहब, अपना घर दिखा देते हैं। सर बात है, किराया भरा तो अपना ही है ना। तो अभी इन्होंने हमें आते यही यहीं पे शिफ्ट किया था, तो यही हमारा कमरा है। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे है, देख लें थोड़ा सा, हमने कहा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ऐसे है, ये आगे और इधर वाशरूम है अंदर। अल्लाह अल्लाह, तो खैर सल्ला। और कोई ज़्यादा यहाँ पे सीन कोई नहीं, सारी बात है। घर वैसे ना ये भी बन रहा है, तो कोई इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। पानी शानी का बड़ा इशू है यहाँ पे, तो कोशिश करते हैं कि हम पानी पानी बोतल वाला ही इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे ना, या वो ऊपर चश्मे वाला है वो लेके आना पड़ता है, तो वो इस्तेमाल करना पड़ता है खाने पकाने छकाने के लिए।
बाकी जो दूसरा पानी है ना वो हाथ मुंह धोने वाला वो थोड़ा सा गंदला गंदला सा मिट्टी मुट्टी वाला, तो वो इस तरह का सीन है। खैर अभी आज हमारी बड़ी स्पेशल किस्म की दावत हो रही है, आज तो खाते हैं दावत इनकी, फिर इंशाल्लाह अपना खाना बनाएंगे, अपना खाएंगे और अपने हिसाब से दिखाएंगे और आपको एक रूटीन दिखाएंगे। तो ये मुख्तसर सा हमारा, हाँ ये यहाँ से निकलते ना तो ऐसे लाउंज सामने है, सामने किचन है, ये कमरा उनका है और किचन मुश्तरका हो गया है। हाँ, किचन मुश्तरका हो गया। तो हाँ ये सियान है सारा, ये यहाँ पे देख ले सियान ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। मौसम जो है यहाँ पे वो ठीक है, वो तो ठंडा है, हवा ठंडी चलती है, वो गर्मी वाला सीन कोई नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों वाला सीन होता है ना, सर्दियाँ जा रही होती है या सर्दियाँ आ रही होती है जैसा मौसम होता है, हाँ वो वाली ठंड है यहाँ पे ना, मतलब बहुत ज्यादा ठंड कोई नहीं लेकिन अच्छी ठंड है, पसीना पसूना नहीं आता, काम शाम करे तो फिर पसीना आए तो आए, वरना नहीं आता। हाँ तो खैर चलते हैं जी, हमारी दावत बन रही है, दावत खाते हैं आज, ये स्पेशल दावत है, बड़ी जबरदस्त किस्म की बना रहे हैं जी, तो वो खाते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी चलते हैं किचन में, मारिया से पता करते हैं खाना कहाँ तक पहुँचा है, काफी देर हो गई है, दिन भी ये देखे सूरज भी गरूब होने वाला है। बस रेडी हो गया खाना, रेडी हो गया। मैं अभी रोटियां वगैरह पका वो मंगवा लिए मैंने बिना वाली। चले जी आप जल्दी से बैठ के, चले जी दस्तरखान लगने वाला है और वो लग जाता है और मारिया ने खाना भी बना लिया, मजेदार सा एंजॉय करते हैं, इसके हाथ में जायका बहुत है तो खाते हैं। सर हमारी लास्ट इनके साथ दावत है, इसके बाद फिर हम आप अपने खाने बनाएंगे। बहुत मतलब डर गया एकदम, दरवाजा खटके। हाँ जी हाँ जी, कौन है आ जाए, कौन है मैं पता करती हूँ। लो भाई साहब हमारा खाना लग गया, चलो भाई चलो खा लो खाना, खा लो यार। चलें जी भाई साहब खाना तो हमारा लग गया यहाँ पे। उनको आप लोगों ने नहीं खाना, आप तो बैस जोड़ के बैठ गए। सुबह का नाश्ता हमारा लेट होता है ना, जैसे हमारा हुआ 10-11 बजे, तुम लोग 6-7-8 बजे तक रोटी खाते हैं। बस ये फिर आप लोगों ने हमारी इतनी तकलीफ कर दी, रहने दे, हम भी शाम को ही खाते हैं, हम वैसे खुद भी शाम को ही खाते हैं। हमने तो आप लोगों की वजह से कहा कि आप लोगों ने भी खाना तो चलो मिलके खा लेते हैं, रात का खाना हम लोग इकट्ठा खाएंगे इंशाल्लाह। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, चलो बैठो यार खा लो, अब आ गए तो खा लो, ऐसे अच्छा लगेगा हम अकेले। हाँ? दावत है, जख्मी है, क्या बनाए तेरी खाना, कुछ बना रही हूँ, मेरे ख्याल में मैंने रोका भी है तो उसने गोश्त बना लिया है, गोश्त मैंने उसे मना भी किया था, वो ना मेहमानों का कंसेप्ट बना हुआ है कि मेहमानों को गोश्त हमने लाजमी खिलाना है, मैंने उसे रोका भी है कि गोश्त ना बनाना, उसको मुझे लगता है गोश्त बना लिया है, शोरबा बड़ा शोरबा बनाया फिर वो फिर रखा है ना पतला शोरबा। भाई साहब मैं आपको दावत दिखा दूँ, ये भाई साहब पूरा सालन का एक मूंगा रे, इतना बड़ा हुई 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 हुई, ये तो पूरी देश का है जी, और यहाँ बर्तन है और यहाँ पे रोटियाँ, अच्छा लग रही है, हम तो खाए रोटियाँ इसमें है। ये क्या कर रहे हो, सही डालो, ये तो बाकी आलू बने हुए हैं, ऐसे मैंने कहा था, मैंने उसे कहा था आलू शोरबे वाला बनाना है, मैंने तो इतनी बड़ी टुबक्की मारी है, मैंने कहा यहाँ से अंदर से पूरा एक पट निकलेगा, यहाँ से तो ये छतरा निकला, मुझे लग रहा है ये हमारी ने बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे साथ ना प्रैंक कर रहे हैं, मुझे शक कैसे पड़ रहा है। बेगम कुछ शर्म का मुकाम है, आप ही बैठ जाते हो जिस घर में जाते हो, मैं वहीं से खा के जाऊंगा। बोल खुदा नाम मस्ता बोल तेरी भली बार खुदा दे, मैंने अब बंदा होटल से खा लेता है, अगर खुद पका लेता है, हमारे हाथ पांव टूटे हुए नहीं, ये नहीं कर सकते थे दावत तो ना करते, ये आप ना हमेशा ऐसे ही करते हो, ये बंदा ना मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, वाकई भूखड़ नियत का है कि भाई कहीं से मुफ्त मिल जाए मैं वो खा लूं। जब अब ये खुद गए हैं हमाम पे नहाए हैं और शेव करवाए हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे कि मैंने पैसे दिए, मैं क्यों जाऊँ। ये हालत देखो ना यार, आप लोग खुद सोचो, ये अब खाओ चुप करके, ये वो ऐसे ही अक्सर लोग ऐसे ही बनाते हैं, पतला शोरबा रखते हैं घर वाली भूख, खा ला मैं, मेरे को नहीं खाऊंगा, नहीं बनाती तो अच्छा खाना थी, पता नहीं अब इसको क्या हो गया यार, अब आपने तो कहीं लेके आना, मैं तो मुझे तो मैं तो खाती हूँ यार, बातें थोड़ी सारी यार, कुछ आपके मोमना भी खाएगी,
खुदा दे बंदे ये नहीं हो यार मेरी बात सुन। चार मिर्चे तैयार हैं ये तो मुझे लगता है मिर्चे घोल के आलू उठा के किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। सालन वगैरह रोटी वगैरह सालन और लेंगे अभी थोड़ी देर तक, ये पहले पी ले। ये पी नहीं ले है ये आप शर्ट क्यों ला रहे हो कपड़े? शर्ट उतार के ना दो तक टुबकियां मार के ना ना लवें दे बनता तो ये है सही है भाभी। आपने खुद बोला था भाभी आप लोग दावत नहीं कर सकते थे ना तो नहीं भाई मैंने आपसे पूछा था बस कर थोड़ा डाल बस कर यार चिकन बना लू या आलू गोश्त डाल अल्लाह के बंदे बस कर खुदा कितना खाना से तूने है बस कर भाभी मेहरबानी थोड़ी है नहीं खाना भी नहीं छोड़ो उठो ये खाने का ये सालन है ये तो आप लोगों ने बेइज्जती की है और क्या आप नहीं बनाते ना बनाते ठंडा उठो यार उठ जाओ यार बस करो हूं इतना बेइज्जती कर ये आलू शोरबा से आप बनाते हैं ये आलू ग्लेशियर बना पड़ा है। चलो उठ जाओ बस करो तू बस नहीं पहले भी आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की हम चुप कर गए थे अब घर आके हमें बेइज्जत किया है सारे देखने वाले क्या कहेंगे हैं यार बस को एक बात यार अब तू फिर शुरू हो गया बस करो यार तुम्हारे बल्कि भी देखो खाने के लिए बैठे हुए थे बंदा यार बिलाल यकीन कर बहुत मैं कुछ क्या कुछ भी नहीं कह सकता मेरी बात तो सुनो ना मेरी बात तो पहले सुनो खुदा के नाम ये ड्रामा कल तो सुनो यार मेरी तो सुनो सारे आलू अंडे बना लेती हूँ आलू चिकन बना लेती हूँ मेरी सुनो आपने कहा आलू शोरबा हमने आलू शोरबा कभी भी नहीं बनाया क्योंकि हम खाते नहीं है यार ये कोई तरीका। अच्छा सुनो यार बात सुनो मेरी बात सुनो अरे भाई देता अपने कमरे में तो आ यार छोड़ पड़ा हाँ छोड़ो बोरे उठ जा यार बस करो आज बस करो आज आज उठो भाई सब जानते नहीं असि पैसे देते हैं असि इंज नहीं जानते तो जेन कर छोड़ हम अपना नहीं वो तो बाहर से खाएंगे हम अपने कमरे में बैठे हम अपना बना लेंगे ये कोई ऐसी सीन नहीं है हमने ये इसका खर्चा ये दो आलुओं पे खर्चा किया है बाकी तो पानी है ये वाला जो जो ये अभी कहती है और सालन लेना हो तो बताना शुक्र कर लिया नहीं हूँ खुदा का नाम मान मैंने कहा शायद आपने शौक से बनवाया ये सारा आलू के साथ ग्लेशियर पिघला पड़ा है सारा वैसे जैसे आप हो ना आगे से मिले भी ऐसे खुदा की कसम यकीन कर तो भाई चल आ जा यार खुदा का नाम मैंने पता की हो गया तू साए ड्रामे शुरू हो गए ऊपर रोती ऊपर से है अपने कमरे चाहिए तो यहाँ पे ना पैसा कम खराब हो रहा है और रोने शुरू कर दिए वहाँ पे रोना मुझे भी आता है ये भी बात हम अपना ना इनसे ना अलग कर ये हिस्सा करते हैं रुला भी दिया सारा बुरा भला भी हो गया हाँ बस सही है ये हम ना इनसे अलग करते हैं अपना खाता अपना पकाएंगे अपना खाएंगे लड़ रहे हैं कैमरा ऑन करके नहीं तो हम यहाँ पे व्लॉगिंग करने हैं हम यहाँ पे व्लॉगिंग करने हैं हमको शूटिंग थोड़ी करने हैं यहाँ पे हैं हम फिर चुप रहे हैं चुप रहे नहीं नहीं भाभी आप लोगों ने बहुत कर दिया अपने कमरे में उनको मामला है उनका नहीं नहीं वो उनकी बात देखो ना मामला नहीं है इनका मामला देखो देखने वालों को बता यार खाना है यार वो तो उठी ना तू चल आ जा छोड़ पर असीन हम अपने कमरे में रहेंगे मेहरबानी तेरी भाभी अब चल नहीं यार
चुप कैसे दी भाई साहब तुसे बोला क्या फसा तो ना पो लोग पे